हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक नया केस लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, हम गाड़ी जब भी चलाती है तब भी हमारा गाड़ी रुक रुक के चलती है, कभी कभी ठीक चलती है, चलते चलते बीच रास्ता पे रुक जाती है यानी एक्सलेटर छोड़ देती है। तो इसके लिए हम क्या करें? तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग के एक बात कहना चाहता हूँ मैं, कि आप अगर हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे इसी तरह का वीडियो आपको मिलेगा। चलो तो दोस्तों, गाड़ी रुकने की वजह क्या हो सकती है? ये तो बहुत ही देखिए, कभी कभी ठीक चलते हैं, चलते चलते अचानक रुक जाती है, उसका बाद एक्सलेटर को छोड़ के फिर से लेती है, तब भी इसमें ठीक आती है, ठीक चलती है। तो दोस्तों आप इस तरह से मोटर को निकाल लेना है गाड़ी से, गाड़ी से निकल कर जो आप चार स्क्रू देख रहे हैं साइड में, इसका बॉबिन के साइड में, इसको निकाल लेना है, स्क्रू को निकलने के बाद आपको फैन को भी, इस जो प्लास्टिक बॉडी है इसको निकल कर आपको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, जो हमारे मोटर में धूल मिट्टी रहती है वो अंदर ना चला जाए, इसलिए आपको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है दोस्तों। आप 2 इंच ब्रश से ज़्यादा इसका ब्रश का प्राइस नहीं है, 20 से 30 रुपये प्राइस है इस ब्रश का। आप लेके कभी किसी भी चीज़ को आप अच्छी तरह से इस ब्रश की मदद से क्लीन कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, हमारा ऑलरेडी ज़्यादातर क्लीन हो गया, इसलिए हम प्लास से एक आप लोगों को बग प्लास की मदद लेना होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए, जो काजू पत्ती है उसको भी निकालना होगा हमको, काजू पत्ती और फैन निकालने के बाद दोस्तों आपको लगा 4 नंबर का एलंकी, एलंकी से पूरी नाट को आपको निकाल लेना है। तो दोस्तों, मैंने कभी कभी बीच पे वीडियो को स्किप कर दिया, क्योंकि आपका मूल्यवान समय, कीमती समय नष्ट ना हो, इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपको इससे ज़्यादा बहुत ही नॉलेज मिल जाएगा, इसलिए कैसे हो रहा था हमारा। बीच रास्ते पर चल जाती है, एक तरफ बंद हो जाती है तो अलग बात है, चलते चलते रुक जाती है कभी कभी, कभी तो रुकती नहीं, आसानी से अच्छी तरह से चलती है। तो दोस्तों देखिए, हम 4 सभी नट को निकाल दिए, बाकी है एक, इसको भी निकाल देना है दोस्तों। निकालने के बाद आप इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा अगर खींचिए तो देखिए उस तरफ से नहीं होती है, तो आप नीचे रख के धीरे धीरे से इसको, वो जो प्रेस है ना एकदम अच्छी तरह से बैठा है, इसको निकाल लीजिए। तो ये हमारा हो गया निकलना, उसके बाद हम ढकने को ओपन कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मोटर फटर तो कुछ जला नहीं है, तो अच्छी, तो इस शैफ्ट को भी हम निकाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको करना है, करने के बाद आपको दोनों साइड से दोनों एलंकी को पकड़ना है और ऊपर में शैफ्ट एक आदमी को पकड़ना है, आप उसको ज़ोर से प्रेस करना है दोस्तों। देखिए, आपका हाथ का भी कट सकती है, मोटर निकलना आप पहली बार निकलेगा तो ध्यान से खोलिएगा, क्योंकि देखिए मोटर निकलना, मोटर का शैफ्ट निकलना बहुत ही थोड़ा मुश्किल होती है, आप नया है तो आपको इधर पे दो से, देखिए कभी कभी तो ज़्यादातर पेट्रोल नहीं देती, हम किस लिए पेट्रोल डाल रहे हैं आप दोस्तों देख सकते हैं। तो ये मोटर में हमारा थोड़ी हल्की बहुत मोबिल है, जो हमारे गियर बॉक्स का ऑयल सील कट कर इधर पे ऑयल चलाएगा, तो इसलिए आपको देखिए दोस्तों, मैं जितना ऑयल लिया हूँ इतना ऑयल आपको भी लेना है, 200 ग्राम 200-250 ग्राम आपको ऑयल लेना है दोस्तों। ऑयल लेने के बाद आप अच्छी तरह से इसमें पूरा ऑयल डाल दीजिए, पूरा ऑयल डालने के बाद आप किसी चीज़ से थोड़ा, जो सेंसर बोर्ड है उसको भी चेक कर ले, क्योंकि सेंसर बोर्ड ख़राब होने से ये प्रॉब्लम हमारे ज़्यादातर होती है। तो मीटर से दोस्तों, मैं आप शायद देख रहे हैं, मीटर से मैं बारी बारी सेंसर को अच्छी तरह से वैल्यू से कंटिन्यूटी बीप पे सभी रेंज पे मैं चेक कर रहा हूँ दोस्तों। तो चेक कर रहा हूँ, देखिए चेक करने के बाद हमारा क्या रिजल्ट आती है। तो देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से मैं सेंसर बोर्ड को चेक किया, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारी आती है इसमें, जो धूल मिट्टी रह जाती है, हमारा मोबिल गया था, ज़्यादातर गियर ऑयल गया था, मोबिल गियर ऑयल, जो भी आप बताना चाहते बता दिए।
कोई बात नहीं, गियर वाला ही जाने के लिए हमारा ये होया। तो आप अच्छी तरह से क्लीन कर कर ये मेरे पंखा से चला कर, आपका पास हवाई मशीन है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। पंखा हवाई मशीन नहीं है तो टेबल फैन से, जो हाई स्पीड वाला फैन होती है, उसको आप 10 से 15 मिनट तक इसमें रहिए, क्योंकि पेट्रोल हवा देने से पेट्रोल उड़ जाती है। तो दोस्तों मैं वीडियो को बीच पे स्किप किया हूँ, 10 से 15 मिनट तक इस मोटर को सूखा लेना है अच्छी तरह से। इस साइड पे भी देना है, तो देखिए दोस्तों हमारा पूरी तरह से मटर सूख गया है। सूखने के बाद ये जो देख रहे हैं आप, क्या डाल रहा हूँ मैं, आप शायद नहीं जानते हैं, जानते हैं तो हमको कमेंट करके बता दीजिए एक क्या है। तो ठीक है दोस्तों मैं ही बता देता हूँ, ये जो हमारा मोटर बैंडिंग होती है, बैंडिंग के समय ही ये होती है हमारा बार्निश, क्योंकि कॉयल को ना जार्किंग करने दे। इसमें मैं पेट्रोल डाला, आधा घंटा इसको सुखाया पेट्रोल को, इसलिए इसका टेम्पर काम हो सकती है। इसलिए मैं इसको और भी ज़्यादा भाई अच्छी करने के लिए इसमें बार्निश डाल रहा हूँ, क्योंकि ये बार्निश डालने से मोटर आपका और भी क्वालिटी मंद हो जाती है दोस्तों। कोई भी किसी प्रकार की मोटर भी आप उसमें एक साल डेढ़ साल के बाद आप में उसमें बार्निश मारेगा दोस्तों, तो उसमें और भी ताकत आएगा उस मोटर का। तो एक साइड से मैं मार लिया हूँ और दूसरी साइड से मैं दे देता हूँ दोस्तों। मैं क्योंकि हल्का पतला क्योंकि किस लिए दे रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, कि ज़्यादा देना है आपको बर्निश, आपका मटर है तो आपको सूखाना पड़ेगा अच्छी तरह से। उसके अंदर 108 के बॉल डालकर, रेड जो बॉल होती है हमारा लाइट, उस लाइट को डालकर सूखाना पड़ेगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों मैं हल्का पतला सा दिया हूँ क्योंकि अभी मैं गाड़ी में फिट करने वाला हूँ। अभी तो हो गया इसको, आप देखिए आप ध्यान से इसको डालना है, तो आप बहुत ही ध्यान से डालना है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा बहुत ही खतरनाक हो सकती है। और एक बार दोस्तों मैग्नेट जो होती है हमारा, उसको भी चेक कर लेना है दोस्तों। तो मैग्नेट के में कहीं बालू फालू नहीं तो पक रहा है, कुछ भी नहीं पक रहा है, तो आपका शायद मोटर जाम होता है, जाम होगा। तो इस तरह से करके आप इस तरह से मोटर को डालिए, क्योंकि मोटर डालना बहुत ही रिस्क की बात है। एक बार आपका हाथ में लग जाए और जो बीच वाले पत्ती है तो आपका हाथ कट सकती है, बुरी तरह से पिघल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक बार चेक कर लीजिए किस तरह से हमारा गाड़ी में मोटर रहती है, हमारा केबिल का सही रहेगा, गियर बॉक्स के ऊपर नीचे, इस तरह से आप एक बार देख लीजिए, देखने के बाद आप फिटिंग कीजिए। तो दोस्तों देखिए केबिल हमारा जो गियर बॉक्स पाइप है उसका पास रहेगा तो पाइप का वायर का हमारा प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप अच्छी तरह से आपको बाहर में ही देख लेना होगा एक बार। तो देख लेने के बाद आप उसका बाद इधर पे जो हमारी होती है क्या ढकना, ऊपर वाली जो बॉडी होती है हमारा प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो नहीं है, पिस्टन लोहा की होती है, अल्मोनियम भी नहीं, क्या चीज़ होती है, जो होती होती है छोड़िए, कोई बात नहीं। तो उसको भी आप अच्छी तरह से सेट करके उसको बैठा लेना है दोस्तों, किसी भी चीज़ से ज़्यादा ठोकने की ज़रूरत नहीं है, ये टूट जाएगा, बहुत ही हल्की होती है। तो हल्की होने के बाद आप इसको डाल दीजिए, डालकर आप पूरे नट को एक एक कर डाल दीजिए, पूरा ना डालने के बाद आपको वही करना है, चार नंबर का एलंकी लेना है, एलंकी से आपको अच्छी तरह से एक एक कर कस देना है नट को दोस्तों। तो दोस्तों नट को कसते समय ज़्यादा टाइट ना दे, क्योंकि हमारा छेद जो होती है वो नष्ट हो जाएगा, तो हमारा उस साइड का बॉडी जो चेंज करना पड़ेगा, छेद नष्ट हो गया तो लेड से भी नहीं बांध सकते इस लोहे पे। तो ज़्यादा कम भी देना नहीं है दोस्तों, ज़्यादा भी नहीं देना है, मीडियम जितना टाइट था उसमें वही टाइट देना है दोस्तों।
तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम, हमारा क्या प्रॉब्लम होती था मोटर में, होता था मोटर में प्रॉब्लम हमारा ज़्यादा कि कभी कभी रुकती है चलती है, इसी तरह का प्रॉब्लम। तो इसमें क्या हमको समझ में आया, तो कुछ तो हम मोटर के अंदर खोल कर नहीं देख पाया, थोड़ा सा गियर ऑयल गया था और उसके बाद जो मोटर फूटने का जल जाती है मोटर हमारा, उसी का जो गंध होती है यानी सुगंध, वही हमको मिला, अजीब सा बदबू। तो इस बदबू को जाने के लिए और मोटर के जलने के बदबू को जाने के लिए हमने पेट्रोल और बर्निश दिया और सेंसर बोर्ड की जो सेंसर है उसको भी अच्छी तरह से क्लीन किया, और हमने जो सेंसर बोर्ड है वो सही है कि गलत है वो भी चेक किया। तो सभी चेक करने के बाद देखता हूँ थोड़ा सा मोबिल है, इसलिए पेट्रोल आपको दिया मोटर में। मोटर में देने के बाद आप देखूंगा दोस्तों गाड़ी सही चलेगा बिल्कुल 100%। तो मैं गाड़ी में डालूंगा, आप तो पूरा फ्री भी हो गया देखिए दोस्तों। थोड़ी बहुत ही जो कॉइल मैग्नेट है वो भी अच्छी है, उसके बाद एक ही आपको इधर पे काजू पत्ती दिखने को वाला है, शायद किसी किसी मोटर में दो इधर रहती है, किसी मोटर में एक ही है। तो इसको आपको देर डाल देना है, डाल कर देखना है कैसे फ्री है या जाम है। उसके बाद जो प्लेट है ना, ज़्यादातर हाथ से नहीं दबाना है दोस्तों, ये मेरी तरह दबाएंगे तो आप जो प्लास्टिक है वो बैठ जाएगा। तो देखिए दोस्तों बैठ गया है, तो इसको उठाना पड़ेगा धीरे धीरे, ज़्यादा भी नहीं उठाना है, थोड़ी थोड़ी उठाना है। और दोस्तों और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो ये स्क्रूप होती है ये आप ज़्यादा टाइट मत दें, क्योंकि प्लास्टिक से कट जाएगा आपका स्क्रूप, स्क्रूप ही रह जाएगा, ये जो प्लास्टिक का ढक्कन है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइट नहीं देना है दोस्तों, हल्का पतला सा टाइट देना है। तो देखिए उधर साइड थोड़ी ज़्यादा ही बैठ गया, मैं गलत इससे दबा दिया, कोई बात नहीं उठा लेते हैं। दोस्तों इस चैनल में हम लोग जितना भी वीडियो छोड़े दोस्तों, जितना हम काम किए आप लोगों के सामने यूट्यूब पर, तो कभी इसमें झूठी यानी झूठी कहानी कुछ भी नहीं है दोस्तों, फेक वीडियो आप लोगों को एक भी देखने को नहीं मिलेगा। जितना भी वीडियो मेरे चैनल में है पूरा ही सच्चा वीडियो है दोस्तों।